क्लास नाइन्थ नेक्स्ट यूनिट है फ्लोटेशन और हमारा पहला टॉपिक बनता है प्रेशर क्या होता है। देखिए अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं उसके गिवन एरियाज के ऊपर तो बॉडी पे एक प्रेशर बनता है ड्यू टू फोर्स एंड ड्यू टू इट्स वेट इट इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या होता है लिख लीजिए द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इट इज कॉल्ड ए प्रेशर। क्या नाम देते हैं इसको प्रेशर कि कितना फोर्स कितने एरिया पे लगा हुआ है इट इज कॉल्ड ए प्रेशर। सिंपल है यूनिट क्या होती है प्रेशर की यहाँ पे देखिए वैसे लिखते हैं फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन्स एरिया का होता है मीटर स्क्वेयर लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर या इसका नाम होता है पास्कल। क्या यूनिट लगती है इसकी पास्कल। अगर आपको डिफाइन करना पड़े वन पास्कल प्रेशर को वन पास्कल प्रेशर इज इक्वल टू अगर फोर्स लगाया जाए वन न्यूटन कितने एरिया पे वन मीटर स्क्वेयर एरिया पे इट इज कॉल्ड वन पास्कल प्रेशर। तो सिंपल लिखिए वन पास्कल इज दैट प्रेशर व्हेन वी अप्लाइड ए फोर्स ऑफ वन न्यूटन ऑन द बॉडी ऑफ एरिया वन मीटर स्क्वेयर ऑफ एरिया वन मीटर स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया फोर्स हमको पता है फोर्स क्या होता है इसका एक टर्म और भी है थ्रस्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं नेक्स्ट है थ्रस्ट इसी का पार्ट है। सिंपल है भाई थ्रस्ट कोई अलग चीज नहीं है थ्रस्ट फोर्स ही होता है इट इज इक्वल टू फोर्स फोर्स ही है बट जो फोर्स बॉडी के परपेंडिकुलर लगता हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग थ्रस्ट। तो सिंपल लिखते हैं फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द बॉडी परपेंडिकुलर टू द बॉडी और सरफेस ये इसको हम लिख सकते हैं इस वर्ड की जगह पे नॉर्मल। क्या लिख सकते हैं फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द बॉडी और सरफेस या फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू द बॉडी और सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। फोर्स ही है बट एक्टिंग नॉर्मली टू द सरफेस। नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी क्या होती है। देखिए डेंसिटी क्या है ये एक रेशो है मास का और वॉल्यूम का किसी बॉडी के लिए लिख सकते हो इट इज द रेशो ऑफ मास एंड वॉल्यूम इट इज द रेशो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। तो डेंसिटी का जो फार्मूला बनता है वो क्या होता है मास बाई वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इस रेशो को बोलते हैं डेंसिटी। इसको सिंबलिक फॉर्म रो से लिखा जाता है ग्रीक सिंबल मास के लिए एम लिखता हूँ वॉल्यूम के लिए वी लिखता हूँ। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी यूनिट क्या होंगी डेंसिटी की यूनिट ऑफ डेंसिटी इज मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो आंसर हुआ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इट इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ओके इसी टॉपिक के अंदर एक वर्ड आता है रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। देखिए जब भी हम वर्ड यूज करते हैं रिलेटिव ये होता है कि दो को हम क्या कर रहे होते हैं कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो चीज़ों का। तो डेंसिटी दो की डेंसिटी को क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो सिंपल लिख लीजिएगा इसको इट इज़ द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ द बॉडी टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो फार्मूला क्या बनता है रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू किसका रेशो है डेंसिटी ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ बॉडी टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितने पे है 4 डिग्री सेल्सियस। इस रेशो को क्या बोलते हैं हम लोग डेंसिटी ऑफ सॉरी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी। हम वाटर के साथ क्या करते हैं इसका कंपैरिजन करते हैं। अब देखिए एक वर्ड यूज किया गया है एट 4 डिग्री सेल्सियस वर्ड यूज किया है कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी
ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, कब होती है? मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी के अंदर बर्फ बनना शुरू हो जाती है, उस कंडीशन में उसका डेंसिटी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज मिनिमम एट 100 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर सबसे कम कहाँ पे होती है? 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। इस टेम्परेचर के ऊपर वाटर ने अपने लिक्विड स्टेट को छोड़ के कहाँ पे चला जाता है? वाटर इट इज इन द गैसियस स्टेट, वो उसका एवेपरेशन शुरू हो जाता है एट बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? मिनिमम होती है। एंड 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका डेंसिटी कितना होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये था आपका रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है बोयंसी क्या होता है। बोयंसी क्या है? अगर हम किसी भी बॉडी को किसी लिक्विड में डालते हैं तो लिक्विड क्या करता है? उस बॉडी पे एक फोर्स लगाता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। दिस फोर्स इज कॉल्ड बोयंट फोर्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बोयंसी। कैसे? मान लेते हैं मेरे पास कोई बीकर है और इसके अंदर पानी है लिक्विड की फॉर्म में, और हमने इसमें एक बॉल डाली हुई है। देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है? लिक्विड क्या कर रहा है? इस बॉडी पे एक फोर्स लगाता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसको अप थ्रस्ट बोलते हैं या बोयंट फोर्स बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं बोयंसी। इस फोर्स का नाम है एफ बी लिखते हैं, बी फोर बोयंट फोर्स लिख लीजिए। व्हेन वी इमर्स्ड ए बॉडी फुल्ली और पार्शली इन ए लिक्विड सो दैट लिक्विड एग्जर्टेड ए फोर्स ऑन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस फोर्स इज कॉल्ड बोयंट फोर्स। क्या नाम है इस फोर्स का? बोयंट फोर्स। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बोयंसी। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? हम लोग बोयंसी बोलते हैं। एक चीज और देखिएगा, इस बॉडी का वेट भी होता है अभी, और वेट में से क्या होता है? ऑलवेज डाउनवर्ड, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसी फोर्स से हम क्या निकाल सकते हैं कि बॉडी तैरेगी या डूबेगी? उसको बोलते हैं लॉज ऑफ फ्लोटेशन। देखिए बोयंसी को दोबारा देखिए, अगर हम किसी बॉडी को इमर्स्ड करते हैं लिक्विड में डालते हैं तो उस बॉडी के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड बोयंट फोर्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बोयंसी। ओके, इसी के अंदर हम एक टॉपिक बनाएं कि लॉज ऑफ फ्लोटेशंस क्या है। लॉज ऑफ फ्लोटेशन कि अगर आप बॉडी तैरती है या डूबती है वो किस लॉज पे डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं लॉज ऑफ फ्लोटेशंस। तो दो तरह के लॉज हो सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए, इसी डायग्राम से देखते हैं हम लोग। इमेजिन कीजिए अगर वेट ऑफ द बॉडी ज़्यादा हो जाए इस फोर्स से तो बॉडी नीचे आ जाएगी, यानी क्या करेगी? बॉडी डूब जाएगी। तो पहला पॉइंट डालिएगा, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन बोयंट फोर्स देन बॉडी सिंक। बॉडी क्या करेगी? डूब जाएगी, बॉडी सिंक। ओके, अगर वेट ज़्यादा हो इस फोर्स से तो बॉडी क्या करेगी? डूब जाएगी। या सेकंड और लिखिएगा इसी के अंदर, एक और लाइन लिखिए, इफ डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड देन बॉडी सिंक। बॉडी क्या करेगी? सिंक करेगी। पहली कंडीशन में क्या किया मैंने कि वेट ऑफ द बॉडी किससे ज़्यादा हो, इज ग्रेटर देन बोयंट फोर्स, इट इज एफ बी। ओके, या फिर बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तब भी बॉडी क्या करेगी? सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। बॉडी क्या करेगी? डूब जाएगी। यानी डूबने की कंडीशन ये हो सकती हैं। सेकंड लॉ क्या है इसका? देखिए इसी कंडीशन में देखते हैं, अगर बोयंट फोर्स ज़्यादा होगा वेट से तो बॉडी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, लिख लीजिए,
व्हेन बॉयंट फोर्स इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द बॉडी देन बॉडी फ्लोट, बॉडी क्या करती है, फ्लोट करती है। ओके दूसरा लिखिएगा, इफ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द बॉडी देन बॉडी फ्लोट। फिर यहां पे क्या बोला हम लोगों ने कि अगर वेट ऑफ द बॉडी या बोल देते हैं बॉइंट फोर्स जो हमारा है वो बड़ा हो जाए वेट ऑफ द बॉडी के, वेट ऑफ ए बॉडी, तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। या फिर हम क्या बोलते हैं कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द बॉडी, तभी बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी, बॉडी क्या करेगी, तैरेगी। ये रूल है, लॉज है फ्लोटेशंस के लिए। इमेजिन करो दोनों फोर्स बराबर हो जाएं, क्या होगा, बॉडी जहां पे है वहीं पे रह जाएगी, अगर वो बीच में है तो बीच में रह जाएगी, अगर ऊपर है तो ऊपर रह जाएगी, तो बॉडी जहां पे है वहां पे क्या हो जाएगी, वो रेस्ट पे आ जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स कितना हो चुका है इसके ऊपर, जीरो हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, क्या प्रिंसिपल था देखिएगा, अगर एक बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर डिप किया जाए तो क्या होगा उस बॉडी के साथ भी, देखो हमने पढ़ा हुआ है, अगर किसी बॉडी को हम क्या करते हैं लिक्विड में डालते हैं तो उस बॉडी पे एक अपवर्ड फोर्स लगता है, एफ बी बोलते हैं, बॉइंट फोर्स, और बॉडी का वेट भी होता है नीचे की तरफ, इट इज एम जी। क्वेश्चन ये है कि ये जो बॉइंट फोर्स लग रहा है इसका वैल्यू कितना है, यानी जो अप थ्रस्ट लग रहा है इसका वैल्यू क्या हो सकता है, ये आपको निकालना है फ्रॉम आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज ने क्या बताया आपको, देखिए अगर हम किसी लिक्विड में बॉडी को डालते हैं तो सिंपल बात ये है, ये लिक्विड जो है ये इस कंटेनर से बाहर आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, यानी इतने जगह का लिक्विड इससे क्या हो गया, कंटेनर से बाहर आ गया, और हमने क्या किया इस लिक्विड को इकट्ठा किया दूसरे कंटेनर के अंदर, अगर हम इसका वेट कर लेते हैं जो वेट होगा वही इस फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, दोबारा देखिए, अगर हम किसी बॉडी को लिक्विड में डालते हैं तो कुछ लिक्विड क्या होता है कंटेनर से बाहर आ जाता है, अगर उस लिक्विड का वेट किया जाए वही वेट इस बॉइंट फोर्स के बराबर होगा, इट इज द फॉर्म, इट इज द कैलकुलेशंस ऑफ बॉइंट फोर्स। तो लिख लीजिए एक बार क्या बोलता है प्रिंसिपल, इट स्टेट दैट व्हेन वी इमर्स्ड ए बॉडी इन ए लिक्विड देन लिक्विड एग्जर्ट ए अपवर्ड फोर्स और अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द बॉडी देन दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, यानी जो वेट बार, जो लिक्विड बार आ चुका है ये उसके वेट के बराबर होगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। तो सिंपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अगर आपने बॉडी को डाला हुआ लिक्विड में तो लिक्विड की जो क्या करेगी, इस जगह का लिक्विड को ये बाहर निकाल देगी, अगर उसको आप वेट कर लेते हो तो वही वेट क्या होगा, आपका अपवर्ड थ्रस्ट होगा, सिंपल है। ये हमने ये ऑब्जर्व किया होगा, अगर हम बॉडी को लिक्विड में डाल देते हैं हम ये फील करते हैं कि बॉडी का वेट कम हो गया है लिक्विड के अंदर, तो जो वेट कम हुआ है वो किसके बराबर है, जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है यानी जो वेट ऑफ द लिक्विड बार है उसके बराबर होगा। तो एक और लिखिए डेफिनेशन इसका और डाल के लिखिएगा, व्हेन वी इमर्स्ड ए बॉडी इन ए लिक्विड देन बॉडी लूज सम वेट, लूज सम वेट, इट इज कॉल्ड अपरेंट वेट, इट इज कॉल्ड अपरेंट वेट, दिस वेट इज इक्वल टू द अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द बॉडी, अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द बॉडी, इट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके इसका सिंपल सा एप्लीकेशन करते हैं हम लोग,
एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पे हम क्या क्या डिजाइन कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, ऑल शिप्स और सबमरीन्स आर डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑन द बेसिस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए एक 5 किलोग्राम का कोई वेट है वो पानी में डूब जाता है और 5000 किलोग्राम का बोट तैरता रहता है, तो कोई तो रीजन होगा उसकी शेप, उसका क्या है रीजन हो सकता है। जितनी भी शिप्स हैं, जितनी भी सबमरीन्स हैं, वो डिजाइन कैसे की जाती हैं, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सेकेंड पॉइंट है, अगर आपको डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड निकालनी हो तो उसको निकालते हैं बाय ए डिवाइस कॉल्ड हाइड्रोमीटर। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोमीटर, जो किस पे काम करता है, इट वर्क ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लिख लीजिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड हाइड्रोमीटर विच इज वर्क ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी डेंसिटी निकालने के काम आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। थर्ड पॉइंट, अगर आपको मिल्क की प्योरिटी चेक करनी हो तो उसके लिए एक डिवाइस है, इट इज कॉल्ड लैक्टोमीटर बोलते हैं उसको। वो भी किसके बेसिस पे काम करता है, इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। तो लिख लीजिए, प्योरिटी ऑफ मिल्क इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइस लैक्टोमीटर विच इज वर्कड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये यूनिट थी हमारी फ्लोटेशन। एक्चुअल में ये ग्रेविटेशन का पार्ट है, मैंने इसको अलग करवाया है। तो पूरा टॉपिक किसका बनता है, ये फ्लोटेशंस का बनता है कि फ्लोटेशन